नेक्स्ट एक एंट्री हम रिसीट वाउचर के लिए करके देख ले रहे हैं। तो इसके लिए हम वाउचर ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। वाउचर ट्रांजैक्शन पे जाने के बाद रिसीट वाउचर पे क्लिक करेंगे। रिसीट वाउचर पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होकर के आएगा। और ये देखिए, हमारे सामने ये पेज ओपन होकर के आ गया है। अब इसमें जो कुछ भी डिटेल पूछा जा रहा है उन सबको हम बारी बारी फिल करेंगे। रिसीट टाइप में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे, जैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र, एडवांस रिसीट, रिफंड ऑफ एडवांस, कैंसिलेशन ऑफ चेक, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, रिफंड ऑफ होल्डिंग बैलेंस एडवांस, डाइवर्जन रिसीट। तो हमारे लिए जो इसमें इन सब में से एप्लीकेबल होगा उस समय उसके अनुसार से हम सिलेक्ट करेंगे। तो चूंकि हमारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आ रहा है उसका हम एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे रिसीव्ड अंडर में यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, एक स्कीम का और एक अदर रिसोर्सेज का। तो स्कीम के अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फंड है तो वो स्कीम्स के अंदर हो जाएगा, और अदर रिसोर्सेज के अंदर हमारा जो स्टेट वाला है, स्टेट स्पेसिफिक हो या आपका ओन सोर्स रिसोर्सेज हो ग्राम पंचायत का, तो वो अदर रिसोर्सेज के अंदर आता है। तो यहाँ हम स्कीम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ स्कीम नेम पे जाने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो एंट्री हो रहा है वो साइट तो लाइव है, बट आप लोगों को समझाने के लिए प्रैक्टिकल पर्पस से है, इसलिए बैक डेट में जा करके ये हम एंट्री आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी स्कीम आपको दिखेगा वो पुराना वाला स्कीम दिखेगा। तो आप इसके लिए ये ना सोचे कि यहाँ पुराना वाला क्यों दिख रहा है, आप बस यहाँ पे प्रोसेस को समझें, और जो भी प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही आप अगर अपडेटेड वाले पे करेंगे तो भी वही प्रोसेस फॉलो होगा। तो स्कीम नेम में हम यहाँ 13 फाइनेंस कमीशन को सिलेक्ट करके आगे चल रहे हैं। अब आगे पूछ रहा है आपसे मनी रिसीट नंबर। तो मनी रिसीट नंबर के केस में क्या करते हैं कि यदि आपके ग्राम पंचायत में यदि मनी रिसीट नंबर के लिए एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और आपके पास मनी रिसीट नंबर है तो यहाँ मनी रिसीट नंबर इंटर कर दीजिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में हम भाउचर डेट सिलेक्ट करते हैं। तो भाउचर डेट यहाँ पे हम जिस दिन का है उस दिन को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम 20 मार्च को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्कीम और कंपोनेंट है और अमाउंट है। तो स्कीम और कंपोनेंट में क्या है कि किस स्कीम के तहत है उसका सारा डिटेल यहाँ पे हमको इंटर करना होता है, किस हेड में है, किस सब हेड में है, ठीक है, माइनर हेड, इन सबको यहाँ हमें सिलेक्ट करना होता है। तो इस पे क्लिक करते ही देखिए इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ हमारे सामने दो ऑप्शन दिख रहा है, एक स्मार्ट सर्च का और दूसरा ड्रॉप डाउन सर्च का। तो इन दोनों का एक ही काम है, बट स्मार्ट सर्च में होता है कि आपको लिखना पड़ता है और लिखने के बाद में तब उसमें से जो अप्लीकेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। और ड्रॉप डाउन में क्या होता है को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ड्रॉप डाउन में बारी बारी से वो नीचे आते जाता है और आपके लिए जो अप्लीकेबल है आपके ग्राम पंचायत के लिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन सर्च पे क्लिक कर रहे हैं। अब आगे हमारे सामने ऑप्शन आता है सिलेक्ट अकाउंट हेड। तो अकाउंट हेड में हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जनरल एरिया बेसिक ग्रांट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। देन आपसे पूछेगा मेजर हेड, तो मेजर हेड में भी यहाँ पे बहुत सारे डिटेल आ रहे हैं, जैसे सिविल एडवांसेस है, ग्रांट इन एड है, अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, लोन टू पंचायत इम्प्लॉयज, ठीक है, या अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो वो हमारा सस्पेंस अकाउंट में आता है। तो यहाँ हमारा ग्रांट इन एड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ग्रांट इन एड सिलेक्ट किए, इसके बाद आपको यहाँ आता है माइनर हेड। माइनर हेड में आपका हो गया ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट हेड को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट हेड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, और इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो
तो यहाँ तक हमारा डिटेल अब फिल हो चुका है। अब इसके आगे का डिटेल हमें फिल करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है अमाउंट के जस्ट नीचे रिसीव्ड फ्रॉम आ रहा है, ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय एजेंसी रेसिडेंट से अगर रिसीव होता है उस केस में ये अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन में क्या है कि ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है, राशि रिसीव हुई है, वो ग्राम पंचायत को डायरेक्ट मिला है या उसके बैंक खाते में आया है या ट्रेजरी में आया है या पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट है उसमें आया है। तो चूंकि हम जिस ग्राम पंचायत के लिए कर रहे हैं उसके पास अपना बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में राशि आई है, इसलिए यहाँ पे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट किए। अब देखिए इसके आगे आता है अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपको अकाउंट नंबर दिखेगा वो अकाउंट नंबर बैंक के साथ मास्टर एंट्री में जो भी स्कीम वाइज बैंक को मैपिंग हम लोग करते हैं वही अकाउंट नंबर यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट करता है। तो जो हमारा ऊपर में 13 के लिए बैंक अकाउंट मैपिंग किया गया होगा वही अकाउंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो उस अकाउंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट किए। इसके बाद रिसीव का डिटेल पूछ रहा है कि ये पैसा क्या चेक से रिसीव हुआ है, डीडी से रिसीव हुआ है या एडवाइस के थ्रू आया है या डायरेक्ट ट्रांसफ़र आया है। तो आजकल तो सारे पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र से ही आते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करेंगे। अगर अदर मोड में आपके यहाँ जैसे चेक वगैरह या डीडी में अगर रिसीव हुआ है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफ़र हम सिलेक्ट किए। देन आपसे ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे पूछा जाएगा, तो ट्रांजेक्शन आईडी इंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रांजेक्शन डेट को इंटर करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट को इंटर करने के बाद ट्रांसफरिंग बैंक का नाम इंटर करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम पार्टिकुलर का है, ये आप लोग जानते हैं, ये नरेशन वाला कॉलम है। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन से रिटेल से रिलेटेड जितना भी डिटेल है उन सबको यहाँ पे लिखते हैं, और लिखने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए आपके सामने वाउचर नंबर के साथ ये आ गया और मैसेज भी आ गया कि ये वाउचर नंबर सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो हमारा ये प्रक्रिया था रिसीट वाउचर को पास करने का।